वेलकम टू माय चैनल टीचरी द कुकिंग डायरीज। आज आपको बता रही हूँ मैं रान स्टीम की रेसिपी। स्टीम मटन की रान ली है मैंने, इसका मैंने जो हड्डी वाला पार्ट था वो मैंने कट कर दिया है, क्योंकि इसको कुकर में बनाऊंगी मैं स्टीम से, तो ये कुकर में नहीं आता। तो मैंने इसका ये जो मेन पार्ट होता है ये वाला जो इसमें गोश्त रहता है वो वाला लिया है, उसको मैंने अच्छे से इसमें घेरे घेरे जो है कट लगा लिए हैं, उसको मैंने रख दिया। अब हम इसका मसाला रेडी करेंगे, जो घर के सामान से ही आसानी से हम मसाला रेडी कर लेंगे, बाजार के हमें लाने की ज़रूरत नहीं है। इसके लिए मैंने यहाँ आधी कटोरी दही लिया है, और दही के अंदर मैं डाल दूंगी ये 2 चम्मच है पपीते का पेस्ट। 2 चम्मच है मैंने पपीते का पेस्ट लिया है। अगर आपके पास पपीते का पेस्ट ना हो तो आप मार्केट में कचड़ी मिलती है वो भी डाल सकते हैं। और 1 बड़ा चम्मच जो है अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है मैंने। इसमें हम सूखे मसाले ऐड करेंगे, जिसमें हम धनिया पाउडर डालेंगे 1 चम्मच, लाल मिर्च पाउडर डालेंगे 1 चम्मच, आधा चम्मच गरम मसाला पाउडर डालेंगे, 1 चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च डालेंगे, 1/2 चम्मच चाट मसाला पाउडर डालेंगे, 1/2 से 1/2 चम्मच डालेंगे हम इसमें हल्दी पाउडर, और 1 चम्मच हम डालेंगे इसमें जीरा पाउडर भुना हुआ पिसा हुआ, नमक डालेंगे हम इसमें 2 चम्मच। ये छोटे नींबू थे तो इसलिए मैंने 2 डाले। अगर आपके पास नींबू बड़ा हो तो आप इसमें 1 नींबू डाल सकते हैं, लेकिन हमें थोड़ा खटाई थोड़ी ज़्यादा चाहिए होती है इसमें। डालेंगे 2 चम्मच भरकर रेड चिली सॉस। सारे मसाले हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फिर 1/2 चम्मच हम इसमें डाल देंगे ऑरेंज फूड कलर, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये मसाला हमारी रान में जो है लगा देंगे, कि जो हमने कट लगाए हैं ना उसके अंदर चम्मच से या हाथ से, मैं हाथ से करूँगी क्योंकि हाथ से क्या होता है अच्छे से इसमें मसाला लग जाता है। जितने भी सारे कट्स लगाए ना हमने, सारे कट्स में हमें मसाला अच्छे से, क्योंकि कभी क्या होता है अंदर अगर मसाला नहीं लगता ना तो ऊपर ऊपर से तो हमारे जो रान होती है वो हमें अच्छी लगती है टेस्टी, लेकिन अंदर से वो ना गलती वो फिर फीकी फीकी लगती है, उसमें कोई टेस्ट नहीं आता। सारा मसाला हम इसमें डाल देंगे, अच्छे से इसकी जो रान की जो है मसाज करनी है। से इसमें लगा दिया है और अब हम इसको रख देंगे। आप चाहें तो ओवरनाइट रख दें, 1 दिन 2 दिन, आप जितना टाइम आप इसको देंगे ना उतनी रान हमारी अच्छी अंदर से गलेगी और अंदर से सॉफ्ट बनेगी। आपको जल्दी हो तो आप जल्दी बना सकती हैं, या 2 घंटे कम से कम इसको 3 घंटे तो हमें रेस्ट देना ही चाहिए। वैसे अब मैं रख दूँगी इसको 3 घंटे के लिए, फिर मैं मिलती हूँ आपसे 3 घंटे बाद। पर हमारे रान को रख दूँ, 2 घंटे हो गए हैं, अब हम इसको स्टीम करेंगे। यहाँ पर मैंने भगोना लिया है, अब इसमें भगोने में ये छलनी है मेरे पास, कोई भी आपके पास छलनी हो या स्टैंड हो तो आप उसको रख सकते हैं, मैं ये छलनी को जो है इस पर रख दूँगी। और हम इस रान को इस एल्यूमिनियम फॉइल में रैप कर देंगे। इसके अंदर जो अच्छे से स्टीम बन जाए, और हम इसको इस पर रख देंगे भगोने पे।
अब हम इसको ढाक देंगे और उसको रख देंगे 1 घंटे के लिए, हम हाई फ्लेम पर रखेंगे। फिर इसका हम उसका जो है ना साइड चेंज करेंगे, पानी देखेंगे, अगर पानी इसका कम होगा तो हम इसमें और पानी ऐड कर देंगे। यहाँ पर देखिए हमारा जो है 1 घंटा हो गया है, हम इसकी जो है साइड चेंज कर देंगे। देखिए हमने इसका साइड चेंज कर दिया है। फिर हम इसको 1 घंटे के लिए रख देंगे ढाक कर। फ्लेम हमने हाई रखी और इसमें पानी है, अगर पानी कम होता तो हम इसमें और पानी डाल देते। देखिए हमारा जो है ना 1 घंटा भी हो गया था, हमने इसको निकाल दिया है और इसकी जो फाइल है वो अलग कर देंगे। और इसका जो पानी है अभी हम इसको ऐसे ही रहने देंगे। और इसकी जो ग्रेवी है जिसमें उसको हम थोड़ा थोड़ा करके इसमें डालते रहेंगे ताकि इसका जो टेस्ट है सारा इसमें जो है मैदान इसमें हो जाए। इसको हम साइड जो है चेंज कर देंगे। ये देखिए हमारे जो स्टीम रान रोस्ट है वो रेडी है। ये बहुत ही जो है ना अच्छे से गली है, ये बहुत अच्छे से सिक गई है। और मतलब मैं बताती हूँ आपको कि किस तरह से इसको मैं तोड़ूँगी। ये देखिए बिल्कुल मलाई की तरह जो हमारी बोटी निकल रही है। और आप मतलब इसको ट्राई करिएगा, और अगर आप लोगों को ये मेरी रेसिपी पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू। रान देखिए किस अच्छी तरह से ये जो है हमारी रान गली हुई है। और इसको मैं आपको आप जो नींबू के साथ या ये जो है ना ये देखिए हमारी रान कितनी अच्छे से ये है जो गल चुकी है। इसको आप टमाटर की दही की चटनी या पुदीने की चटनी या नींबू के साथ इसको ट्राई करिएगा, बहुत यमी लगती है।